तो देखिए गाइस, आज हमारे पास एक रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का सेट है, जिसका प्रॉब्लम है कि ये जो सेट है गाइस, कभी कभी कंप्लीट ऑन होता है तो ऑन होने के बाद इसका कैमरा नहीं चलता है, वर्क नहीं करता है। और कभी कभी इसमें इस तरीके से, मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से सिस्टम UI इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस तरीके से मैसेज आता है। तो इसका जो सोल्यूशन होता है गाइस, ये जो नोट 10 प्रो मैक्स होता है, इसमें जो CPU से ही दिक्कत आता है, अपडेट करने के बाद क्या होता है, हमारा जो CPU है और ड्राई सोल्डर हो जाता है। इस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कैमरा वर्क नहीं करता है, हमारा जो सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखाता है, और क्या होता है, से डेड भी हो जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि अगर हम इसका जो CPU है गाइस, उसको अच्छे तरीके से फिर से रिबॉल कर दें, तो ये सेट हमारा कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तो आज वही प्रोसेस यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा कि हमारा जो सेट है, इसमें जो दिक्कत है वो हमारा सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा इस, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके पास भी इस तरीके का सेट है, अगर आप रिपेयर करना चाहते हो, तो मेरा कुरियर सर्विस मेरे इस नंबर पर, मैं आपको जो है एड्रेस दे दूँगा, वहाँ से आप कुरियर कर सकते हो। तो चलिए हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले मोबाइल को डिसेंबल कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो CPU है, इसको मदरबोर्ड से रिमूव करके फिर से हम इसको रिबॉल करके इंस्टॉल करके देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है गाइस इस सेट में, वो हमारा सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो वीडियो में बने रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि हमने जो CPU के ऊपर जो हमारा प्लेट होता है, CPU को कवर करके रखता है, उसको भी हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो पहले हम चारों साइड से, IC के साइड से अगर हमारा ग्लू रहता है तो उसको पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद हम CPU को रिमूव करेंगे। तो CPU रिमूव करते टाइम आपका जो टेम्परेचर रहेगा गाइस, वो 350 रहेगा, और एयर को आपको 1 पे सेट करना है। उसके बाद आपको CPU को ईज़िली जो है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, आसान तरीके से आपको रिमूव करना है। तो आपको ध्यान में रखना है गाइस कि आपका जो CPU है, ये डैमेज ना हो जाए, इस तरीके से आपको सेफ्टी से काम करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, और एकदम साफ सफाई से काम करना है। तो यहाँ पर हमारा जो CPU है गाइस, वो ईजिली यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसके जो मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, और जो हमारा CPU है, इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। तो गाइस, आपको जो है एकदम साफ सफाई से काम करना है। अगर आपका थोड़ा सा भी गंदगी रहता है मदरबोर्ड में, तो बाद में इशू आ सकता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई से ही काम करें। तो गाइस, जब आप मदरबोर्ड को क्लीन करते हो डीसोल्डर के थ्रू, तो आपको मदरबोर्ड पे डीसोल्डर को अच्छे तरीके से जो है, हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो आपका पॉइंट डैमेज हो सकता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ गाइस आपको। तो यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड जो है, वो कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। तो अब हम इसके जो CPU है गाइस, इसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसको रिवॉल्व करेंगे। CPU क्लीन करते टाइम हमारा जो आयरन का टेम्परेचर होना चाहिए गाइस, वो है 320 पे, आपको आयरन को सेट करके रखना है, और आपका आयरन का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। अगर आप जो लोकल आयरन से करते हो गाइस, तो इसका पॉइंट जो है शॉर्ट होने के चांसेस रहता है, और IC डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए आप जो है
थोड़ा सा कॉस्टली आयरन यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैकेनिक का T12 Pro, जो मिडिल रेंज पे बहुत बढ़िया क्वालिटी का आयरन है। तो आपको धीरे धीरे से IC को यहाँ पर क्लीन करना है, डी सोल्डर वायर के थ्रू भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास जो ब्लेड टाइप का आयरन रहता है, आयरन का जो टिप रहता है वो रहता है, तो इस तरीके से आयरन रहता है, तो गैस आप ये देखकर ही कर सकते हो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा IC भी क्लीन हो चुका है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए एकदम नीट एंड क्लीन आपको जो है काम करना है गाइस। अगर थोड़ा सा भी ग्लू लगा रहता है तो आपको बाद में वो दिक्कत आ सकता है, तो इसलिए एकदम साफ सफाई से काम। तो चलिए गाइस अब हम यहाँ पर CPU को रिबॉल कर लेते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि CPU को कैसे रिबॉल करते हैं, तो मैंने ऊपर पे आई बटन पे इसका लिंक दे दिया है कि CPU को क्लीन कैसे करते हैं, रिबॉल कैसे करते हैं, उसका अच्छे तरीके से वीडियो है, तो वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो CPU है गाइस वो एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको जो है मदरबोर्ड में फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको मदरबोर्ड में लगा के देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है गाइस वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो दो रजिस्टर था गाइस यहाँ से रिमूव हो चुका था, तो हम यहाँ पर पहले वो दो रजिस्टर को लगाएंगे, उसके बाद हम इसको एक बार और क्लीन करेंगे, उसके बाद CPU को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर जो है दो रजिस्टर को पहले यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। IC को बोर्ड में पेस्ट करते टाइम हमारा जो SMD का टेम्परेचर रहेगा गाइस वो रहेगा 350, और एयर को आपको 0 पे रखना है और थोड़ा देर हीट करना है। हीट करने के बाद जब आपको लगेगा कि आपका जो IC का बॉल है वो मदरबोर्ड से कनेक्ट हो चुका है हल्के तरीके से, तो आपको उस टाइम क्या करना है, थोड़ा सा फ्लक्स का यूज़ करना है और एयर को एक पे रख के आपको अच्छे तरीके से हीट देना है, और उसके बाद आपको जो है एक फाइनल टच करना है, आपको IC को हिला के देखना है कि सही जगह पर फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा जो IC है यहाँ पर अच्छे तरीके से पेस्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसको हम फिट करके देखेंगे
कि हमारा जो प्रॉब्लम था गाइज वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो गाइज़ हम यहाँ से पूरा शील्ड को रिमूव कर लेंगे। अगर रिमूव नहीं करते तो हमारा मदरबोर्ड फिट नहीं होगा डिस्प्ले के साथ। अब जो है हम इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए हमने यहाँ से पूरा शील्ड को रिमूव कर लिया है। अगर हम यहाँ से रिमूव नहीं करते तो हमारा जो बोर्ड है डिस्प्ले में फिट नहीं होता, इसलिए मैंने इसको पूरा रिमूव कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर डिस्प्ले के साथ फिट करके हम ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था गाइस वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि हमारा जो सेट है ऑन हो चुका है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो सेट है कंप्लीट ऑन होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो सेट है ये कंप्लीट ऑन हो चुका है और हमारा जो यहाँ पर सेटअप मांग रहा है तो शायद हमारे शॉप से आने के पहले इस सेट में जो है सॉफ्टवेयर डाला गया है, इसलिए ये जो है सेटअप मांग रहा है। तो चलिए हम इसको सेटअप भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।